जय हिंद दोस्तों, रश्मि के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल की रोटी। इसके लिए एक ग्लास चावल का आटा लें, एक ग्लास पानी, थोड़ा सा नमक और दो चम्मच तेल। एक बर्तन में पानी गर्म करने रखें। अच्छे से उबाल आने पर नमक डाल दें, दो चम्मच तेल डाल दें। अब इस पानी में एक ग्लास चावल का आटा डालकर चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लें। 5 मिनट के लिए ढककर रखें, गैस बंद कर दें। बड़ी थाली में इस मिश्रण को निकालें, थोड़ा ठंडा होने दें। फिर थोड़ा सा पानी हाथ में लगाकर अच्छे से मसल कर इसका आटा बना लें, अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से एकदम स्मूथ यह आटा बन जाए, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद इसका पेड़ा बना लें, अच्छे से हाथ पर पानी लगा के उसे गूंथ कर स्मूथ गोला बना ले। अब हाथ की सहायता से थोड़ा थोड़ा फैला दे इस तरह से। अब सूखा आटा डालकर बेलन की सहायता से इसकी रोटी बना ले। हमने आटा अच्छे से गूंद लिया है तो ये बिल्कुल चिपकेगी नहीं। ध्यान रखें आटे में गांठें ना हो। अच्छे गोल आकार के लिए बड़े ढक्कन की सहायता से इसे कट कर ले इस तरह से। अब गरम तवे पर इसे सेक ले। ऊपर के साइड पर थोड़ा सा पानी लगा ले हाथ से इस तरह। ये देखिए नीचे की साइड में ये पक चुका है रोटी। अब इसे पलट दे। आप देखिए ये फूल के बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छे से ये फूल रही है। अब इसे गैस पे सेक ले इस तरह से, दोनों साइड से हल्का हल्का सेक ले। ये बिल्कुल रेडी है। सब्जी या दाल के साथ खाइए। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।